शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर की चटनी कैसे बनती है। जी हाँ, टमाटर और प्याज की चटनी कमाल की चीज है। अब आपको चटनी बनाने के लिए करना क्या होगा कि आप तकरीबन 200 से 250 ग्राम अच्छे टमाटर ले लीजिएगा और उनको पानी में धो लीजिएगा। अच्छे से साफ करके आपने धो लिया और उनके टुकड़े कर लीजिएगा। एक एक टमाटर के तकरीबन 3 से 4, 5, 6 टुकड़े हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और ऐसे 250 ग्राम टमाटर के टुकड़े करके प्लेट में रख लीजिएगा। उसके बाद प्याज लीजिएगा। 250 ग्राम टमाटर की चटनी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन ये मान के चले कि 3 प्याज, अच्छे बड़े प्याज, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, अच्छे प्याज साफ करके उसको भी काट के छिलका विलका उतार के और उसके ऊपर एक पीला पीला सा वो होता है जो छिलके उस पे लगा होता है, उसको जरूर काटिएगा क्योंकि वो जो है वो पचता नहीं है और वो पथरी करता है, तो उस हिस्से को जरूर काटिएगा। और देन उसके बाद प्याज के बारीक बारीक टुकड़े करके उसको भी अलग रख लीजिएगा। उसके साथ 2 से 3 हरी मिर्च लीजिएगा, बारीक बारीक टुकड़े करके काट लीजिएगा। अदरक लीजिएगा, बारीक बारीक करके, थोड़ा सा अदरक लीजिएगा, बारीक बारीक करके उसको भी काट लीजिएगा। देन उसके बाद लहसुन का एक पूरा हिस्सा ले सकते हैं जिसमें से उसको बारीक बारीक करके लहसुन को उसको भी काट लीजिएगा। अब ये तीनों सारों पांचों चीजें आपकी तैयार हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपको मिक्सर के अंदर पहले आपको टमाटर डालना है, उसके बाद आपको प्याज डालना है जिसे कांदा भी कहते हैं, उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन, और हरी मिर्च और लहसुन जो आपने काट के छोटा डाला वो डाल दीजिएगा। अब इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा और हिला दीजिएगा। अब मिक्सी चलेगी तकरीबन मान के चलिए 20 से 30 सेकंड मिक्सी चलाइएगा, आपका अंदर का जो मसाला है वो मर्ज हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा और प्रॉपर तैयार हो जाएगा। अब उसके अंदर आप थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, हाफ स्पून थोड़ी सी आप उसमें लाल मिर्च डाल दीजिएगा, हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिएगा और मैं समझता हूं कि अब आपकी ये चटनी तैयार हो गई। ये चटनी को उतार के आप किसी कांच के बर्तन में भर के रख लीजिएगा क्योंकि खराब नहीं होगी और आप खाने के साथ, स्वाद के साथ आनंद से ले सकते हैं, चाहे इसको सब्जी में डाल के खाएं या इसको अलग से खाएं। तो ये थी टमाटर और प्याज की बेहतरीन चटनी। अगर कुछ भी घर में नहीं है, आपने बेहतरीन चटनी बना ली, तो रोटी चटनी भी आप बड़े प्यार से खा सकते हैं। इसका स्वाद बहुत निराला है, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, आपके लिए अच्छा है। तो आप इसका मजा लीजिए, इस व्यंजन का भी, आनंद से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों की सेवा करें। विश्वास मानिए, हम सिर्फ सेवा ही करना चाहते हैं और सेवा कर रहे हैं, जानकारियां लेते हैं और आपके आगे परोस देते हैं। उसका एंजॉय कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों में वो प्रकाश तभी फैलाएंगे जब आप हमारे साथ होंगे। आपका साथ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे दूसरे चैनल पे भी जरूर जाइएगा, शुरुआत जी और शुरुआत जी सुपर भाग, वहां पर भी आपको जानकारियां मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।